नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनाएं, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र किस तरह से ऑनलाइन करें और किस तरह से ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाएं। ये इसका काम क्या होता है, कहां कहां काम आता है और इसके बनवाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। जिसकी शॉप है खुद की या कोई कहीं बाहर काम करने गया है उसको, उसके लिए घर का या किसी ने किराए वराए पर लिया है तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है तो ज़रूरत पड़ती है। या कहीं जॉब वॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करने के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। या खुद की शॉप है या साइबर कैफ़े है या किसी भी तरीके की शॉप है तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उससे यह होता है कि इस लड़के के नाम पे या किसी महिला के नाम पे कोई केस उस तो नहीं चल रहा, पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि उसका पुलिस का रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, कोई केस नहीं है, इसलिए उसका पुलिस वेरिफिकेशन हर कहीं मांगा जाता है। तो इसलिए वो सीखेंगे आपको किस तरह से पुलिस वेरिफिकेशन बनाना है और किस तरह से ऑनलाइन करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSE ऑनलाइन नॉलेज। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। पहले हम बता देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि हमने एक चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया था 6 जुलाई 2023 को। 6 जुलाई 2023 को ऑनलाइन करने के बाद हमारा जो वेरिफिकेशन है ये इस तरह से बन के आ गया, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस वेरिफिकेशन बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब आप ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद कुछ समय के बाद आपको पुलिस थाने जाना होता है, पुलिस चौकी जाना होता है, वहाँ अपना आधार कार्ड लेके जाना होता है, वहाँ अपना वेरिफिकेशन कराना होता है। वेरिफिकेशन कराने के बाद 2-4 दिन के बाद ही सर्टिफिकेट बन के ऑनलाइन ही आ जाता है। चलिए हम ऑनलाइन करना बताते हैं किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है। सबसे पहले अपने गूगल पर agdistrictukgov.in, आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ अपना स्टेट का नाम डाल देंगे, agdistrict अपने स्टेट का नाम, gov.in पे क्लिक कर देना। फिर आपके पास सबसे ऊपर विजुअल वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस तरह का डैशबोर्ड आएगा आपको। इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको अगर CSE आपके पास तो CSE से भी लॉगिन कर सकते हैं, अगर CSE नहीं है तो अपना यहाँ ID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, फिर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर जैसे CSE से कराना चाहते हैं तो CSE से साइन विद CSE पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको डैशबोर्ड खुल कर आ जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा रिक्वेस्ट इन न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सबसे पहला ऑप्शन जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है जहाँ लिखा हुआ है करेक्टर सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार, करेक्टर सर्टिफिकेट जनरल यानी कि आप ठेकेदारी का या कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं जिसके नीचे आपको बहुत सारे वर्कर काम करेंगे आपके नीचे, तो आप ठेकेदारी का काम का कॉन्ट्रैक्टर का काम करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक करके बनाएंगे। और आप खुद का बनाना चाह रहे हैं, कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं या किसी अपनी शॉप का बनाना चाह रहे हैं तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जनरल, ये खुद का होता है कहीं काम करने के लिए, खुद की शॉप के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्टर वाला होता है जो खुद के नीचे कई जनों को काम कराने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन बनाना होता है। हम पहले इस पर करेक्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसके लिए आपको सबसे पहले एक फ़ोटो की आवश्यकता होगी खुद के, और एक आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, अपलोड होगा सिर्फ PDF में। आप यहाँ देख सकते हैं आईडी प्रूफ PDF अपलोड होगा, और एड्रेस प्रूफ में आपको राशन कार्ड, आधार कार्ड, ज़मीन की खतौनी है तो ज़मीन की खतौनी लगाएं, और परिवार नकल, और एक शपथ प्रमाण पत्र बनेगा 10 रुपये का स्टाम्प पे शपथ प्रमाण बनेगा, ये सब यहाँ अपलोड करना है। फिर एक 30 रुपये का चलान, आपको 30 रुपये का चलान किस तरह से ऑनलाइन अपना बनाना है, 30 रुपये का चलान भी लगेगा। यहाँ पे चलान करने के लिए IMFS की साइट पर जाना है, वहाँ अपना यूजर नेम, अगर पहले से ID बना रखी है यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, नहीं बना रखी है ID तो सबसे पहले अपनी ID क्रिएट करेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ फिल करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें ID और पासवर्ड दोनों रहेगा, ID पासवर्ड दोनों मोबाइल पर आ जाएगा, वो यहाँ पे फिल करना है। ID पासवर्ड फिल करेंगे, फिर कैप्चर कोड फिल करेंगे, फिर साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो अगला डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ आपको लिखा हुआ होगा चलान एंट्री, चलान एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं चलान एंट्री पे क्लिक करना है। चलान एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे डायरेक्टर जनरल पुलिस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको
कमांडेंट ऑफिस का नाम सुन लेना है जो आपके कमांडेंट का पास में हो, यहाँ पे कमांडेंट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सर्विस 00055 पुलिस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से पुलिस पे क्लिक करके ऐड, पुलिस पे क्लिक करके 30 रुपये यहाँ फिल करना है, 30 रुपये। फिर ऐड सर्विस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पर्पज डालना है, आप किस पर्पज के हिसाब से ये चलान बनवा रहे हैं। जो भी आपका काम हो, या किसी बैंक में काम करने के लिए, या अपनी शॉप के लिए, या किसी भी काम के लिए, वो डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर क्लिक हेयर टू बैंक पे क्लिक करना है। बैंक पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको ये इतने सारे माध्यम आ जाएंगे पेमेंट पे करने के। इसमें से आपको पेमेंट पे करने के बाद आपको इस तरह से एक चलान की रसीद जनरेट हो जाएगी। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ अपलोड करना है, एक एक कागज़ करके एक एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, जिसमें आपको ID प्रूफ में आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आपको शपथ प्रमाण पत्र, 10 रुपये के स्टाम्प पे शपथ प्रमाण पत्र बनेगा वो, राशन कार्ड, परिवार नकल और आधार कार्ड, इनकी सबकी एक साथ PDF बना के अपलोड कर देनी है और 30 रुपये का चलान अपलोड कर देना। फिर आपको यहाँ पे नाम, पिताजी का नाम, और आपने कितनी एजुकेशन कर रखी है वो, और आपके कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो वो डालें, नहीं चलना तो नोट वैलिड पे क्लिक करें, आधार नंबर फिल करना है, और बिजनेस नाम, बिजनेस का नाम डालना है, आपको क्या करना है, किस लिए बनवा रहे हैं, किस लिए बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे वो फिल कर देना है। फिर रूलर हो, अगर गांव से हैं तो रूलर, अगर शहर से हैं तो अर्बन। फिर डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, फिर तहसील फिल करना है, और एरिया आपकी पटवारी चौकी लगती है पटवारी चौकी, अगर पुलिस स्टेशन लगता है तो वो पुलिस स्टेशन पर क्लिक करना है। थाना आपका डाल देना जो भी थाना हो। थाना डालने के बाद आपको विलेज, गांव का नाम है तो गांव का नाम डालेंगे, अगर शहर है तो यहां शहर का नाम फिल करना है। ये सब डाटा अपना फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके CSC बुलेट में डायरेक्ट पहुंच जाओगे, जिसमें से आपको CSC ID का पासवर्ड डालना है। फिर वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको पे पे क्लिक करना है, बुलेट पिन डाल के पे पे क्लिक कर देना है। पे पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। फिर आपको एक रसीद जनरेट हो जाएगी, इसको प्रिंट कर लेना है।